हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माता रानी की तरह से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आनंद आस्था गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने जयमा चैनल में। सो गाइज, आज मैं आपके लिए स्पेशल लेके आई हूँ और आप देख भी सकते हैं कि क्या स्पेशल है। सो प्लीज, और मैं कुछ कहने से पहले आप लोग को बता दूँ कि आप लोग मेरे लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़, बहुत ही अच्छा होगा और माता रानी की वेरी ब्लेस्ड आप लोग के साथ हैं। सो मेरी भी वेरी ब्लेस्ड आप लोग के साथ हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वेरी ब्लेस्ड मतलब कि मेरे प्रेयर के द्वारा वेरी ब्लेस्ड आप लोग के साथ हैं। सो अपने वेरी ब्लेस्ड मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड लोगों के साथ में सभी के साथ मुझे शेयर कीजिए। सो मेरा कुछ भला हो जाएगा। और आप लोग सोचते होंगे रोज़ रोज़ भला के लिए बोलती है, बट क्या है कि ज़रूरी है और आप लोग के द्वारा मुझे अपना भला करने के लिए। सो मैं कहती हूँ, सो प्लीज़ गाइड मुझे हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो आज मैं आपके लिए कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस टाइप से अपना मेकअप क्रिएट किया है। और आपने देखा होगा कि मैंने ड्रेस डाली है, मैंने लहंगा डाल के रखा है आज, बिकॉज मैं हर तालिका तीज का मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मतलब कि जो मायके में गर्ल्स रह सकती हैं वो किस टाइप से अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं। सो गाइज, ये चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। मैंने ज़्यादा खास तैयार नहीं हुई हूँ और देख सकते हैं आप नेल पेंट भी नहीं मैंने लगाई हुई है, बट नाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक्चुअली में क्या था कि मैं आज काम में बिजी रही तो मैं दोपहर को एक लुक क्रिएट करना चाहती थी बट मैंने नहीं कर पाई। एक्चुअली में काम बहुत ज़्यादा था और रिलेशन वाले आ गए थे, सो नहीं कर पाई मैं और काम में बिजी रही तो मैं नाइट में अभी 10:30 बज रहे हैं इस टाइम में कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप देख सकते हैं कितनी मेहनत होती है वीडियो शूट करने में और एडिट करने में। सो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प करो कि इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज़ करना। और मैं आपको ज़्यादा बात ना करती हूँ, पहले मैं बता दूँ कि मैंने क्या क्या लगाया फेस पे। पहले फेस वॉश किया था और वो कुछ नहीं, नीम फेस वॉश से फेस वॉश किया था। सो वॉशरूम में रखा हुआ है तो नाइट हो चुकी है, मैं कमरे में हूँ। और उसके बाद से मैंने ये रोज़हिप सीरम अपने फेस पे लगाया है, इससे ग्लो बहुत ही अच्छा आता है, मुझे बहुत ही नेचुरल लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सो मैं यही लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद से मैंने क्या लगाया है मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने उसके बाद से क्या लगाया है। और ये रोज टोनर लगाया है, रोज वाटर रोज टोनर दोनों है, ये लगाया है मैंने उसके बाद से। फिर मैंने कुछ नहीं, फिर उसके बाद से मैंने प्राइमर लगाया है, वो भी कौन सा वाला, एलोवेरा प्राइमर लगाया है। फिर उसके बाद से मैंने क्या लगाया, एक कंसीलर लगाया। फिर रोज की वही कहानी है कि मैं बताती हूँ आपको मैं क्या लगाती हूँ। सो ये लगाया है मैंने कंसीलर। और उसके बाद से कुछ नहीं, मैंने फेयर लवली लगाई है फेस पे। और क्या लगाया है, फेयर लवली के बाद फेयर लवली लगाई है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने नॉर्मल पाउडर लगाया है, पॉन्ड्स वाला। और उसके बाद से मैंने क्या लगाया है, थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है मिस रोज का, ये वाला आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला मिस रोज का है, ये लगाया है मैंने हाइलाइटर और शैडो। सो मामूली सा शैडो लगाया है मैंने, लाइट शेड में है,
देख सकते हैं आप, मैंने मामूली सा शेडो लगाया, ग्रीन है एक दोनों कलर देख सकते हैं आप। ये लगाया है मैंने और देख सकते हैं फिर उसके बाद से मैंने क्या लगाया है। ये लगाया मैंने, ये लाइनर है, आई लाइनर है, मैंने ये लगाया है अपनी आईज में आप देख सकते हो। और मैंने आपको बताया था ग्लैमर का एक काजल, तो मैंने यही लगाया अपनी आईज में, आईज के अंदर नहीं लगाती, डॉक्टर से मैं मना किया है काजल लगाने के लिए, सभी कुछ मना क्या है, तो मैं आँख के अंदर नहीं लगाती हूँ। और फिर इसके बाद से मैं आपको बताती हूँ मैंने ग्लैमर का ए लाइनर यूज किया है और लोरियल की वही लिपस्टिक मैंने यूज की है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पिंक शेड है और शेड नंबर मुझे मालूम नहीं है, तो वही लगाई है मैंने। मैं आपको हाथ पे लगा के बता देती हूँ, एक्चुअल में आप लोग को सभी बताते हैं। मैंने उल्टे हाथ पे लगा लिया सो नहीं दिख रही है सही तरीके से। और मैंने पहले विदाउट मेहंदी के मांग टिक्का के मैंने वीडियो बनाई थी कि इस टाइप से आप तैयार हो सकते हो, और अब मांग टिक्का लगा के मैं बता रही हूँ। सो आप लोग को ज्वेलरी मैंने मैचिंग की नहीं पहन पाई, सो सॉरी गाइज, और कुछ भी बैकग्राउंड में जो भी आपको मिस यूजुअल लग रहा हो सो उसके लिए माइंड मत करना। और एक्चुअल में भी स्टार्टिंग है वीडियो की बहुत कुछ मिस यूजुअल हो जाता है, सो माइंड मत करना और प्लीज़ उसके लिए सो सॉरी कर लेती हूँ मैं अभी से। सो गाइज आप लोग को मेरा लुक कैसा लग रहा है, और देखिए मैंने इस टाइप से हाथों में डाल के रखा है सोने का गोल्ड का, मैंने कुछ नहीं यूज किया अभी, देखो रिंग विंग भी यूज नहीं की है, बस मामूली आप लोग को बताना चाहती थी वीडियो बना के, सो मैं बता रही हूँ। और कल का ब्लॉग मैं फिर लेके आऊँगी जो ससुराल ब्लॉग होगा, मैं कल के लिए लेके आऊँगी ससुराल ब्लॉग में किस टाइप से तैयार हो सकते हैं। और अगर आप कमेंट करें कि साड़ी ब्लॉग डालो तो मैं साड़ी ब्लॉग में भी वीडियो बना के आपको बता दूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, बहुत रात हो रही है और देख सकते हैं सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, और आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग को पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही, सो टेक केयर, गुड नाइट, बाय।